नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीबीएसई की तरफ से जो कुछ खास खबर आई। कि विदेशों में लंबित 10वीं 12वीं की परीक्षाएं नहीं कराएगा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर संबंधित स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की लंबित परीक्षा का आयोजन नहीं कराएगा। सीबीएसई ने बुधवार को यह बात साफ कर दी है कि देश के बाहर 25 देशों में सीबीएसई बोर्ड से संबंध स्कूलों का संचालन होता है। सीबीएसई का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से देश की मौजूदा हालत को देखते हुए विदेश में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं को आयोजन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि विदेश से कापियों का मूल्यांकन के लिए लाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और दोस्तों, ये जो खबर आ रही है एकदम ऑफिशियली आ रही है अभी। हालांकि जो 12th के बोर्ड के एग्जाम अभी पोस्टपोन किए गए उसको लेकर के अभी कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं आई है, बट इसको लेकर के जो है सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि 10वीं और 12वीं के जो परीक्षाएं को फिलहाल रद्द किया जा रहा है। तो इसलिए जो बाहर विदेशों में जो सीबीएसई से संबंधित स्कूल थे उनकी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं उनको रद्द किया जाता है। दूसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जो है सीबीएसई ने और यूपी बोर्ड ने दोनों ने ही आपके जो है पास करने की अनुमति दे दी है। पहले हम जान लेते हैं 1 से लेकर और 8वीं तक के बच्चों को लेकर के सरकार ने क्या है। देश में कोरोना वायरस के बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई से कहा है कि वो 1ली से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जो है भेज दें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई को 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों, जो आप अब बच्चे जो है 9th और 11th के, उनका क्या होगा, उनको क्यों लेकर भी बड़ा फैसला यहाँ पर आया है, वो क्या आया है वो मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड का कहना है कि जिन स्कूलों में अभी 9वीं और 11वीं कक्षा की पूरी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, या तो परीक्षाएं उनकी शुरू ही नहीं हुई थी, या फिर अभी तक जो है कुछ परीक्षाएं रही हुई है, अभी कुछ परीक्षाएं जो है नहीं हुई हैं लॉकडाउन के कारण, या फिर कोरोना वायरस के चलते हुए वे परीक्षाएं अभी थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है, तो उसको लेकर के फैसला है कि बोर्ड का कहना है कि जिन स्कूलों में अभी 9वीं और 11वीं कक्षा की पूरी परीक्षाएं नहीं हुई है उन स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वो 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और पीरियोडिक टेस्ट और टर्म एग्जाम आदि के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दे। अगर इसके बाद भी 9वीं और 11वीं का कोई विद्यार्थी पास नहीं हो पाता है तो उसे आधिकारिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन परीक्षा के जरिए अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। दोस्तों, ये जो सभी खबरें थी ये सीबीएसई की ऑफिशियल खबरें थी। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली कही गई है, ये मैंने न्यूज़ वेबसाइट से ली है। तो ये जो खबर है ये सभी ऑफिशियली थी, सब एकदम लीगल खबर थी। अभी कुछ जो अफवाह फैल रही है वो फैल रही है 12th के एग्ज़ाम को लेकर, जो सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम चले हुए हैं उनको लेकर के कुछ अफवाह फैल रही है कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। 12th के एग्ज़ाम अभी तो कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और पोस्टपोन हो जाए, या फिर जैसे कि 10th के एग्ज़ाम में हुआ था कि 1-1 मीटर की दूरी जो है बच्चों के बीच में बना के बैठाई गई थी, ऐसा भी करने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और कैंसिल भी नहीं होंगे अभी, आगे थोड़े बहुत हो सकता है 1 या 2 दिन का और पोस्टपोन हो जाए, ज़्यादा तो पोस्टपोन नहीं होंगे, बट कैंसिल एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिलहाल तो सीबीएसई का कहना यही है, और अगर आगे कैंसिल होगा तो मैं आपको जरूर खबर करूंगा। तो अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाई मई एंड। तो दोस्तों, जो सीबीएसई का 10th और 12th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो मई के एंड तक डिक्लेयर हो सकता है। अगर जो है अप्रैल में जो है कॉपी, अब अगर लॉकडाउन खुल जाते इसके बाद लॉकडाउन ना हो तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अंत में आपसे एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम 1K के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।